वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि जानते हैं कि सीरीज चल रही है कि पाइथन की कोडिंग और पाइथन के प्रोग्राम्स आप डायरेक्टली कैसे मोबाइल पे बना सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर देखिए आप पाइड्रॉइड भी इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल पाई कोड पैड नाम का एक ऐप डाउनलोड किया है। आप इस तरह का कोई भी ऐप डाउनलोड करके और मोबाइल पर कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन किया हमने, अब देखिए ये ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये तो कमेंट लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका कमेंट है, यहाँ पर इसे कमेंट कहते हैं हम। और अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। जब भी आपको यूजर द्वारा नंबर इनपुट करवाना हो तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये ए वेरिएबल है यहाँ पर, ये जो ए आपको दिख रहा है ये वेरिएबल का काम कर रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि अगर ए की वैल्यू 1 से अधिक होगी तभी तो वो प्राइम होगा। 1 तो ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर नीचे मैं आया हूं और यहां पर मैंने लगाया है आई, आई यानी फॉर लूप में आई का यूज किया है और आई इन रेंज लगाया 2 से लेकर ए तक। अब सपोज कीजिए ए में यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर ए में यूजर ने एंटर किया 8, ठीक है, सपोज कीजिए 8 एंटर किया तो होगा क्या, ए में अगर 8 आएगा तो यहां पर 8 तो बड़ा ही होगा 1 से, तो फिर आगे बढ़ेगा और फिर कहेगा आई इन रेंज 2 से स्टार्ट होगा। ये 2 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 लिखा हुआ है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ए जो है एंडिंग पॉइंट है, यानी ए में 8 आ गया तो 2 से लेकर 8 तक ये चलेगा, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएगा, 8 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये रेंज लगा हुआ है तो रेंज लास्ट -1 कर देता है। तो ये 2 जो है स्टार्टिंग वैल्यू और ए जो है एंडिंग वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जो वैल्यूज हैं वो आई में जाके स्टोर हो जाएंगी, और जैसे ही आई में जाके स्टोर होंगी तो नीचे आएंगे तो कंडीशन क्या है, नीचे कंडीशन ये है कि ए को मॉडुलस करवाइए। मॉडुलस ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, रिमाइंडर बताता है ये, तो यहाँ पर ए को पहले मॉडुलस करवाया जाएगा आई से, यानी आई में पहली वैल्यू 2 है तो 2 से ए को डिवाइड किया जाएगा और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कह दिया जाएगा कि वो प्राइम नहीं है, ठीक है। अभी तो चेक ही किया जाएगा, पहले 2 से चेक किया जाएगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, 8 से नहीं चेक किया जाएगा क्योंकि रेंज लगा हुआ है और आप ये बात जानते हैं कि प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने ये रेंज लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर चूंकि डिवाइड हो जाएगा और 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है। इसके बाद मैंने ब्रेक लगा दिया है और फिर यहाँ पर एल्स में अगर डिवाइड नहीं हुआ तो क्या है, प्राइम है। तो चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे चलाया, मैंने रन कराया और रन कराने के बाद ये इनपुट पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे इनपुट देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस बार इनपुट देते हैं 7, तो 7 तो आपको पता ही है कि प्राइम होता है, तो यहाँ पर अगर इसे चलाएंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर ओके किया मैंने तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइम आ रहा है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, 7 प्राइम है, तो ये चीज याद रखिएगा, यहां पर ये प्राइम बता रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां से एक बार फिर से इसको चलाते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार 11 डालते हैं, ठीक है, क्या डालेंगे 11, तो यहां पे 11 हमने इनपुट किया, ओके किया, तो यहां पे देखिए ये बता रहा है कि 11 क्या है, ये भी एक प्राइम है, यहां पे देखिए प्राइम दिया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन प्राइम नंबर हम यहां पे इनपुट कर देते हैं, जैसे हम 4 इनपुट करते हैं तो 4 तो प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे इसको बताना चाहिए नॉट प्राइम। तो देखिए यहाँ पे नीचे बता भी रहा है नॉट प्राइम, 4 नॉट प्राइम दिखा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।